20 अक्टूबर दरअसल ये वो तारीख है जब मध्य प्रदेश के रीवा को एयरपोर्ट की सौगात मिली। साथ ही 999 रुपये में हवाई सफ़र करने का सपना भी लोगों को दिखाया गया। 5 नवंबर से शुरू होने की बात कही गई, लेकिन जब लोग हवाई सफ़र करने का सपना लेकर एयरपोर्ट पहुंचे, तो उनका सपना चकनाचूर हो गया, क्योंकि अभी तक DGCA ने रेगुलर फ्लाइट का शेड्यूल ही जारी नहीं किया, यानी अभी तक रीवा से कोई उड़ान ही शुरू नहीं हुई है। देखिए क्या है पूरा मामला। हवाई सेवा की सौगात मिली, इंतजार बाकी। एयरपोर्ट का उद्घाटन, उड़ान बाकी। विंध्यवासियों और रीवा वासियों को हवाई सेवा की मिली सौगात का इंतजार एक बार फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल 5 नवंबर से हवाई उड़ान की शुरुआत रीवा एयरपोर्ट से होने वाली थी, जिसका शेड्यूल जारी न होने के कारण एक बार फिर इसे आगे बढ़ा दिया गया। विंध्य को हवाई सेवा की सौगात मिली, लेकिन इंतजार अभी भी बरकरार है। 20 अक्टूबर को जब लोकार्पण हुआ और सरकार ने वादा किया कि 999 रुपए में रीवा से भोपाल तक का हवाई सफर कराया जाएगा, लोग उत्साहित थे। 5 नवंबर से उड़ान शुरू होनी थी, लोग हवाई यात्रा का सपना लेकर पहुंचे, लेकिन यहां इंतजार के अलावा कुछ नसीब नहीं हुआ। रीवा एयरपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत का इंतजार जिसका विंध्यवासियों को लंबे समय से था, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह अनाउंसमेंट किया था कि 999 रुपए में रीवा से भोपाल की यात्रा शुरू हो पाएगी, लेकिन यह इंतजार अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है। 5 नवंबर यानी कि आज से जो शुरुआत होने वाली थी वह शुरुआत नहीं हो पा रही है। फ्लाइंग विंग और जो एरो एयरबेस कंपनियां हैं और सरकार की लेट लतीफ़ी के कारण यह जो शुरुआत 5 नवंबर से होने वाली थी यह संभवतः अब 15 नवंबर से हो सकती है, यानी कि 10 दिनों का इंतजार विंध्यवासियों को, रीवा वासियों को और भी करना पड़ सकता है। सर, हमें जानकारी मिली थी कि 5 तारीख से यहाँ चालू होने वाला है, इसीलिए 999 में वो था, इसीलिए हम लोग आए थे देखे पता करे है सही है कि नहीं है, इस माध्यम से हम लोग आए थे पता करने के लिए। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? यहाँ पता किया गया, बोले कि ऑनलाइन पता करो, अभी यहाँ कुछ ऐसा तो है नहीं। लोगों को 5 नवंबर का बेसब्री से इंतजार था कि कब नियमित उड़ान शुरू हो और वो हवाई यात्रा कर सकें, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि रेगुलर उड़ानों का शेड्यूल ही जारी नहीं हुआ, जिसके चलते लोगों में निराशा है और उत्साह धीरे धीरे कम हो रहा है। हम लोगों को पता था कि 999 रुपए में टिकट थी, उससे प्लानिंग थी हम लोगों के जाने के, पता चल रहा है कि अब चालू ही नहीं है। हम लोगों को बहुत दिन से इंतजार था और बहुत बड़ी खुशखबरी मिली थी कि अब भोपाल जाना बहुत इजी हो जाएगा। हम लोग इंतजार में थे बुकिंग का, आज 5 तारीख भी बीत गया और कोई गवर्नमेंट का शेड्यूल निर्धारित नहीं हुआ है और ये इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है, इससे हम लोगों को थोड़ा उत्साह में बहुत कमी आई। विस्तार न्यूज की टीम ने मामले की पड़ताल की तो पता चला कि जिस कंपनी से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अनुबंध किया है वो प्लेन ही नहीं दे पा रही है, वहीं एयरपोर्ट प्रबंधन नियमित फ्लाइट की मांग कर रहा है। 999 में हवाई सफर कब? 5 नवंबर से शुरू होनी थी हवाई सेवा, DGCA ने जारी नहीं किया शेड्यूल। एरो एयरवेज फ्लाइंग विंग कंपनी की लेट लतीफी, कंपनी ने प्लेन देने में असमर्थता जताई, अभी तक नाइट पार्किंग की व्यवस्था नहीं, 15 नवंबर से शुरू हो सकती है नियमित फ्लाइट, यानी अभी भी कुछ दिन का इंतजार और। लेकिन ये इंतजार विंध्यवासियों के लिए लंबा होता जा रहा है, क्योंकि इस दिन के लिए बरसों से उन्होंने इंतजार किया है। रीवा एयरपोर्ट के बारे में जानिए। 15 फरवरी 2023 को हुआ था शिलान्यास, 500 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण एयरपोर्ट 1.5 साल में बनकर तैयार हुआ। दोनों ओर 3.5 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी है। एयरपोर्ट पर 72 सीटर प्लेन उतर सकते हैं। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। लोकार्पण और 999 रुपए में हवाई सफर के ऐलान के बाद विंध्यवासियों के सपने उड़ान भरने लगे थे, लेकिन अभी हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई सफर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। यानी कि लोगों को इंतजार था कि आज से फ्लाइटों की शुरुआत होगी, और जो 999 का अनाउंसमेंट सरकार के द्वारा किया गया था उसमें रीवा से भोपाल की यात्रा कर पाएंगे, लेकिन ये इंतजार एक बार फिर बढ़ गया है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार। मगर अब लोग इंतजार में हैं और साथ ही निराश भी, क्योंकि हवाई यात्रा का सपना देख रहे विंध्य प्रदेश के वासियों को अभी तक इंतजार ही करना पड़ेगा। अब उम्मीद है कि 15 नवंबर के आसपास रीवा से नियमित फ्लाइट शुरू होगी और हवाई चप्पल पहनने वालों का हवाई यात्रा करने का सपना भी साकार होगा।